अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। अच्छा तो फ्रेंड्स, शहद की मक्खियाँ बैठी हैं हमारे घर एक जगह पे, तो काफ़ी दिन से बैठी हैं, तो हमें उनका इंतजार था। तो मेरे दोस्त आए हुए, मैंने कहा यार वो हमें शहद तो उधर से जो है ना वो उतार दें, तो क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, हमें नहीं पता। तो मेरे दोस्त आए हुए हैं, तो बाकी का आप आगे देखें। तो मीनवाइल आप देखें, ये जो लकड़ियाँ पड़ी है ना, इस जगह पे शहद की मक्खियाँ बैठी हैं। तो मैं आपको जो है ना वो बाहर चल के भी दिखाता हूँ, थोड़ा सा उनको दिखाता हूँ अभी, तो फिर शायद वो उड़ जाएंगे या दोबारा इधर ही, मैं ऐसा कहता हूँ बैठ जाएं। मैं ऐसे आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे अंदर बैठी हैं, अगर आपको नज़र आ रही है ना। अच्छा तो फ्रेंड्स, शहद की मक्खियों को वहाँ से उड़ाने के लिए ना ये धुएं का इस्तेमाल करेंगे, तो बाकी आगे आप देखें क्या होता है। फ्रेंड्स, मक्खियों का ना हमें खतरा है कि वो हमें काट ना लें। आओ यार आओ, धुआं घट नहीं रख तो जुल्दू पे पाउडर वैसी नहीं लग रही। ओए आ गई नहीं लड़न पे वैसी हां, वो ज्यादा थी गन, ज्यादा थी गन, धुआं तो थोड़ा है नहीं लगती भा। अच्छा तो फ्रेंड्स आप देखें, काफी खतरनाक काम है। फ्रेंड्स चेक कर रहे हैं यहाँ से मक्खियाँ वगैरह कुछ नहीं कहेगा, मुझे तो डर लग रहा है। फ्रेंड्स मेरे ख्याल में वो टूट गया छत्ता जो है ना, तो वो मुझे कह रहा था बर्तन लेकर आओ। गोदा डे से हाल लाड़ शेड़ तो कह नहीं गई हाली, शायद है सही। हाँ भाई जी देखा जी। आशिर क्या बात है, छत्ता क्या निकलाया उसका, छत्ता कहाँ है? छत्ता हाँ। छत्ता निकाल रहे हैं, वो टूट जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा। उनको क्यों कैंसिल लहेंदे पे हुन थोड़ा दसाओ, ओ बेली खाली है हां, बच्चे ते मजीद वाला भी बे वसी ना। हां वाला बे वसी, चलो इनको तू सा आप ही चाहो यार, अंदर चाहिए हो। हां कर गिनो जे, खाली कर गिनो ये उनका छत्ता। हां ये है उनका छत्ता, अंदर पड़ा है कुछ, अंदर भी छोड़ दिया है हम लोगों ने, फिर भी बैठ जाएंगी ना। हाँ हाँ अच्छा होता है, मीठा है, मजे का है। हाँ ये मक्खियाँ शहद इकट्ठा करके लाती हैं बाहर से, कुछ छोड़ दिया ना उनका घर, फिर भी बाहर से शहद लेकर आएंगी दोबारा, फिर हम दोबारा उतारेंगे। ऐसी उसी काठी वाला वापस क्यों रखेंगे प्यो वाला बह वैसी, ठीक है सी फिर। अच्छा तो यार तारिक हाँ, ये असा माखी को लहाए से तो इनका क्या हिसाब होंगे, बड़ी छोटी माखी का थोड़ा दसो। गोदा छोटी माखी होनी है जरी ये शरीफ होनी है। अच्छा ते डंगियां दी भी घट है, इंदे वास्ते हिफाजत घट करनी पड़ी। ठीक है ठीक है। बड़ी माखी होनी है जरी ओ पहाड़ी होनी है, इथों ने कहनी होनी है। ठीक है वाला ही वास्ते जरा सख्त होनी है, तजर्बा भी कहनी सा कोने को लहावण दा। अच्छा तो फ्रेंड जिवें तुसा डठा होसे वे असा कोई सेफ्टी शेफ्टी वाला हिफाजती इंतजाम कैसे कीता, इवें ही कुलहा के दे, क्योंकि छोटी माखी जड़ी होनी है ना, ए छोटी माखी दा मतलब जने मक्खी है ना वो छोटे हन, तो उन्हें इतना खतरा कहने वे जने वड्या होन तारक भाई दिसें दे पिन जो उन्हें कीते ता कोई एहतियात वगैरह करनी चाहिए। लाग अपने इलाके दी होनी है ना, तुसा ई नहीं करना जो तुसा साकू देखते बेली माखी कशा दी कहनी में ओ जड़ा सा चाहिए वद्या से ना, गुहा दुखाई वद्या से तू तुसा चाहते पहुंच वणो, तो ई चीज दा थोड़ा ख्याल करने, हां तजुर्बा होना चाहिए जी। अच्छा तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।